हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स का IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, और ये जो वीडियो है आपको आगे बहुत ही हेल्प करने वाला है जब हम कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामकरण पढ़ेंगे, है ना। तो ये जीरो लेवल की क्लास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। जो कार्बनिक कंपाउंड्स है उनका IUPAC नाम लिखने के लिए ये वाला वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो यहाँ पर कंसंट्रेशन बनाए रखिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, आप बहुत कुछ इस वीडियो के द्वारा सीखने वाले हैं। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो हाइड्रोकार्बन होता है, जो हमारा मेन टॉपिक है आज का, तो हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है पहले इसे हम समझ लेते हैं। तो हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है, देखिए यहाँ पर हाइड्रोकार्बन जो वर्ड है दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब होता है कार्बन, है ना। हाइड्रोकार्बन यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन, इन दोनों का मिक्सचर जो होता है, इन दोनों को मिक्स करके जो यौगिक बनते हैं उनको कहते हैं हम हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे और आगे इसी वीडियो में तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं एल्केन का IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, इसका सफिक्स क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड हम यूज करेंगे एल्केन में, है ना। चलिए, तो एल्केन के नाम के बाद प्रत्यय यानी कि सफिक्स के रूप में एन लगाते हैं, नोट डाउन कीजिएगा, ये स्पेशल है, प्रत्यय के रूप में क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, है ना। मैं अभी इसको क्लियर कर दूंगा एन मतलब क्या होता है ना। तो इनका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। इनमें दो कार्बनों के मध्य एकल बंध यानी कि सिंगल बॉन्ड होता है ना। तीन चीजें याद रखने की है यहां पर कि सफिक्स जो होता है वो एन होता है, सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, और इनमें एकल बंध यानी कि सिंगल बॉन्ड होता है। तीन चीजें मेन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर एल्केन को समझने के लिए। ओके, चलिए अब मैं इस सूत्र को थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूँ, समझा देता हूँ। CnH2n+2 ये फॉर्मूला होता है एल्केन का। अब एन का मतलब होता है कार्बन की संख्या, एन का मतलब कार्बन की संख्या, है ना। एन का मतलब ये वाला जो स्मॉल एन है इसका मतलब होता है कार्बन की संख्या, कि कितनी संख्या में कार्बन प्रेजेंट है ना। अगर एन इज इक्वल टू हम वन मान लेते हैं, है ना, एन इज इक्वल टू वन मान लेते हैं, तो जहां जहां भी एन लिखा है वहां पर हमने वन रखना है ना। चलिए, अगर एन इज इक्वल टू वन माना हमने, सपोज किया, तो सी वन की एन की जगह वन लिखा, एच टू इंटू एन की जगह वन प्लस टू, क्या हो जाएगा, सी वन एच टू प्लस टू, तो सी वन एच फोर, वन लिखे या ना लिखे एक ही बात है। तो इसका क्या हो जाएगा पूरा फॉर्मूला, सी एच फोर, है ना, सी एच फोर, और सी एच फोर को हम कहते हैं मेथेन। अब कैसे कहते हैं ये, यहां पर देखिए आप, अभी जो मैं बताऊंगा, है ना। चलिए, एक कार्बन इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है, एक कार्बन जब होगा तो उसको हम कहेंगे मेथ, दो कार्बन तो एथ, तीन कार्बन तो प्रोप, चार कार्बन ब्यूट, पांच कार्बन पेंट, छह कार्बन हेक्स, सात कार्बन हेप्ट, आठ कार्बन ऑक्ट, नौ कार्बन नॉन, और जब दस कार्बन होंगे तो उसको हम कहेंगे डेक, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए देखिए यहां पर कितने कार्बन है, एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, मेथ, तो ये लिखा हमने मेथ। अब थ्योरी में देखिए क्या लिखा है, दो कार्बनों के मध्य एकल बंध होता है। चलिए एकल बंध इसकी जो स्ट्रक्चर है वो बता देता हूं मैं आपको, ये
दो कार्बनों के मध्य एकल बंध होता है, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ एक ही कार्बन है ना, और चार हाइड्रोजन है। तो हमें पता है कार्बन की वैलेंस चार होती है, तो इन चारों वैलेंसी को हाइड्रोजन कंप्लीट कर देगा इस प्रकार से। तो ये बन गया CH4, है ना। अब प्रत्यय के रूप में हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, सफिक्स के रूप में हम लगाते हैं एन। ये क्या है, ये वर्ड रूट है ना। कार्बन कितने कार्बन की चेन है, ये है वो, है ना। एक कार्बन के लिए मेथ, दो के लिए एथ, तीन के लिए प्रोप, चार के लिए ब्यूट, पांच के लिए पेंट, इसी प्रकार से 10 कार्बन के लिए डेक, है ना। तो यहां पर देखिए एक ही कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए हमने लिखा मेथ। अब सफिक्स, सफिक्स किसको कहते हैं, जो शब्द के पीछे लगते हैं, है ना, प्रत्यय सब शब्द के पीछे लगते हैं। तो ये शब्द हो गया मेन वर्ड रूट, अब इसके पीछे लगेगा एन, मेथ प्लस एन, तो ये क्या हो जाएगा, मेथेन, मेथ प्लस एन मेथेन। तो इस प्रकार से ये इसका IUPAC नाम हो गया, है ना। इसका ये क्या है, CH4। क्लियर हो गया सभी को, है ना। जो फॉर्मूला है वो भी आई थिंक क्लियर हो गया होगा। एन इज इक्वल टू क्या होता है, कार्बन की संख्या, नंबर्स ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, है ना, कि कितनी संख्या में कार्बन प्रेजेंट है इस हाइड्रोकार्बन में। ओके, तो ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद रखिएगा। एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, और इनमें दो कार्बनों के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है, एकल बंध होता है, और सफिक्स के रूप में एन का प्रयोग हम करेंगे। ओके, चलिए सेकेंड एग्जाम्पल कर लेते हैं। एन इज इक्वल टू हम मान लेते हैं अब 2, एन की जगह हम 2 रख के देखेंगे, देखिए होता क्या है। CN की जगह 2 रखा H2, और N की जगह फिर से 2 रखा +2। सॉल्व करेंगे तो C2H 2 और 2 4, 2 × 2 है ना, मल्टीप्लाई, तो 2 × 4 + 2, तो ये क्या हो जाएगा, C2H6 हो गया, C2H6। अब C2H6 की स्ट्रक्चर में आपको यहां बना के बताता हूं। ओके, देखिए एक कार्बन, कितने कार्बन है टोटल, 2 कार्बन है ना। तो 2 कार्बन को पहले तो सिंगल बॉन्ड से जोड़ देना हमें, है ना। लिखा क्या है कि सिंगल बॉन्ड एकल बंध के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं, है ना। 2 कार्बनों के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है, तो 2 कार्बन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं आएगा यहाँ पर, है ना, क्योंकि एल्केन पढ़ रहे हैं। तो सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया। अब इन दोनों की वैलेंसी को, ये जो हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन, इनसे कंप्लीट करना है हमें, है ना। 1 हाइड्रोजन, 2, 3, 4, 5 और 6 हो गया, 6 हाइड्रोजन कंप्लीट बैलेंस, वैलेंसी हो गई इसकी, है ना। अब देखिए 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या लिखा है, एथ, तो हम क्या लिखेंगे, एथ प्लस सफिक्स के रूप में हम क्या लगाते हैं, एन, एन बराबर क्या हो जाएगा, एथेन। ये इसका IUPAC नाम हो गया, एथेन। आई थिंक दोनों ही एग्जाम्पल, है ना, जब n इज इक्वल टू 1 लिया था और जब n इज इक्वल टू 2 लिया, है ना। तो n इज इक्वल टू 1 लिया था तो क्या बना था, मेथेन, है ना, एक कार्बन। 2 कार्बन के लिए क्या बना था, देखिए यहाँ पर एथेन, है ना। इसी प्रकार से 3 कार्बन होगा और उन तीनों में सिंगल बॉन्ड होंगे, तो प्रोपेन, 4 कार्बन, तो ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन। क्लियर हो गया, है ना। एल्केन जो है आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब देख लेते हैं एल्कीन, एल्कीन का IUPAC नोमेनक्लेचर किस प्रकार से किया जाता है वो देख लेते हैं। एल्कीन के नाम के बाद प्रत्यय यानी कि सफिक्स के रूप में ईन लगाते हैं, है ना, ध्यान दीजिएगा, सफिक्स के रूप में हम क्या लगाते हैं, ईन लगाते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। इनमें 2 कार्बनों के मध्य द्विबंध यानी कि डबल बॉन्ड होता है। यहां पर भी 3 चीजें ध्यान देना है, फोकस करना है इन 3 चीजों पर, कि सफिक्स के रूप में हम ईन लगाएंगे, सामान्य सूत्र CnH2n होता है, और 2 कार्बनों के मध्य डबल बॉन्ड होगा। क्लियर हो गया, एग्जाम्पल करते हैं CnH2n। अब n इज इक्वल टू 2 लेते हैं, है ना। तो अब क्या होगा, देखिए C n की जगह 2 लिखा, H2 n की जगह फिर से 2, तो ये हो जाएगा C2H2
2 × 2 = 4, यानी कि कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 4 है। अब यहाँ पर एथीन बन जाएगा। कैसे बनेगा? कार्बन 2 है तो 2 कार्बन चाहिए अपने को, 2 कार्बनों के मध्य डबल बॉन्ड होता है। चलिए इसकी स्ट्रक्चर में आपको यहाँ बना के बता देता हूँ। एक कार्बन, दूसरा कार्बन, ये दोनों जो है डबल बॉन्ड से आपस में जुड़े हुए रहेंगे। ओके, क्लियर हो गई बात। अब इनकी वैलेंसी को कंप्लीट करना है हमें। कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन इस कार्बन से अटैच कर दिए, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन से अटैच कर दिए, हो गए 4 हाइड्रोजन, कार्बन 2 हाइड्रोजन 4 हो गया। कार्बन की वैलेंसी देखें तो 1 2 3 4, इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट, इस कार्बन की देखें 1 2 3 4, यानी कि इसकी भी कंप्लीट हो गई वैलेंसी कंप्लीट। चलिए अब इसका नाम देख लेते हैं। दो कार्बन, दो कार्बन के लिए टेबल में देखिए, दो कार्बन के लिए एथ लगाते हैं हम, ये लिखा एथ। दोनों ही कार्बनों में डबल बॉन्ड है, दोनों कार्बनों में डबल बॉन्ड है, यानी कि क्या है? एल्कीन है, और एल्कीन का सफिक्स क्या लगाते हैं हम? इन, एथ प्लस इन, तो क्या हो जाएगा? एथीन, ये इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा, एथीन, है ना। दो कार्बन हो और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड हो तो उसका नाम हो जाएगा, देखिए वर्ड रूट एथ और इसका सफिक्स होता है इन, तो इस प्रकार से इसका नाम हो जाएगा एथीन। क्लियर हो गया सभी को? चलिए दूसरा एग्जांपल करके देखते हैं। n इज इक्वल टू 2 हमने ले लिया है, अब n इज इक्वल टू 4 लेके देखते हैं क्या होता है। चलिए n इज इक्वल टू 4, है ना, n इज इक्वल टू 4 लिया हमने, यानी कि n की जगह पे क्या रखना है हमें? 4 रखना है। एच 2 × 4 क्या हो जाएगा? सी फोर एच, मल्टीप्लाई करेंगे 8, सी फोर एच 8। चलिए इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब 1 2 3 4, चार कार्बन हमने ले लिए, है ना, चार कार्बन है यहां पर। अब क्या लिखा है? दो कार्बनों की, किन्हीं भी दो कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड होगा, है ना, डबल बॉन्ड होगा, दो से ज्यादा में भी हो सकता है, उसका फिर नाम मैं आगे बताऊंगा। जैसे जैसे हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का जो लेक्चर है आगे बढ़ाएंगे, आपको सब कुछ क्लियर होता जाएगा, बस आप वीडियो सीरियल से देखते जाइएगा। ओके, चलिए अभी थोड़ा ज्यादा टफ नहीं हो जाए इसके लिए मैं यहीं पर आपको डबल बॉन्ड बताता हूँ। आगे भी जब हम पढ़ेंगे तो डबल बॉन्ड यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, बीच में कहीं पर भी हो सकता है, उसका आईयूपीएसी नाम भी हम पढ़ने वाले हैं आगे के वीडियोस में। ओके, चलिए तो यहाँ पर दो कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड हो गया। हाइड्रोजन कितने हैं? 8 हाइड्रोजन है। चलिए इस कार्बन की वैलेंसी कितनी कंप्लीट है? 2 कंप्लीट है, यानी कि 2 और चाहिए, तो 1 हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन कंप्लीट हो गया। इस कार्बन की वैलेंसी देखें तो 1 2 और 3 कंप्लीट है, यानी कि सिर्फ एक ही हाइड्रोजन चाहिए। ओके, इस कार्बन की वैलेंसी देखें तो 1 और 2 3 4, इस कार्बन की 1 कंप्लीट है, यानी कि 2 3 4। हाइड्रोजन काउंट करिए कितने हैं, यहाँ पर 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 8 हाइड्रोजन होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि हाइड्रोजन कितने हो गए? 8। कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4, कार्बन कितने हैं? 4, तो इस प्रकार से C4H8, ये इसकी स्ट्रक्चर बन गई। अब इसका आईयूपीएसी नाम लिखना है हमें, तो चलिए आईयूपीएसी नाम कैसे लिखते हैं बता देता हूँ मैं आपको। अब चार कार्बन, चार कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या है? ब्यूट, देखिए ब्यूट लिखा है, ये लिख दिया हमने ब्यूट। अब सफिक्स के रूप में, जब दो कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड हो तो वो एल्कीन होता है, और एल्कीन का सफिक्स क्या होता है? इन, है ना, तो ब्यूट प्लस इन, डबल बोन है यहां पर, तो ये हो जाएगा ब्यूटीन, ये इसका आईयूपीएसी नाम हो गया ब्यूटीन। आगे जब पढ़ेंगे तो डबल बोन यहां पर भी हो सकता है, इसका नाम कैसे लिखे वो भी मैं बताऊंगा, है ना, बस वीडियो देखते जाइए आप, है ना, सीरियल से वीडियो देखते जाइए। चलिए अभी सिर्फ इतना जान लीजिए कि यहां पर अगर डबल बोन्ड है तो इसका आईयूपीएसी नाम किस प्रकार से लिखेंगे। फर्स्ट नंबर के कार्बन पर अगर डबल बॉन्ड हो तो आईयूपीएसी नाम किस प्रकार से लिखा जाता है वो बता रहा हूं मैं अभी आपको, डीपली हम पढ़ने वाले हैं आगे के वीडियोस में। ओके, जब मैं आईयूपीएसी के रूल्स वगैरह सभी कुछ क्लियर करवाऊंगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं एल्काइन की।
एल्काइन के नाम के बाद प्रत्यय यानी कि सफिक्स के रूप में आइन लगाते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। इनमें दो कार्बनों के मध्य त्रिबंध यानी कि ट्रिपल बॉन्ड होता है। तीन चीजें यहां पर भी है ध्यान देने के योग्य, वो तीन चीजें क्या है, सफिक्स के रूप में आयन लगाते हैं, सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है, और कार्बन कार्बन के बीच, दो कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा, है ना, ट्रिपल बॉन्ड होता है। चलिए n इज इक्वल टू 2 रखते हैं, है ना, तो C2H2 × 2 - 2 ये हो जाएगा C2H4 - 2, तो C2H2 हाइड्रोजन दो कार्बन भी दो। चलिए स्ट्रक्चर बनाते हैं इसकी, दो कार्बन है, ये रहे दो कार्बन, दो कार्बनों के मध्य ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये रहा ट्रिपल बॉन्ड, है ना। अब हाइड्रोजन कितने हैं, एक एक हाइड्रोजन है, एक एक हाइड्रोजन ये हमने ऐड कर दिए। अब देखिए कार्बन की वैलेंसी भी कंप्लीट हो चुकी है ना, इस कार्बन की वैलेंसी देखें 3, 4, इस कार्बन की वैलेंसी देखें 3 और 1, 4, तो इस प्रकार से इसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए दो कार्बन, दो कार्बन के लिए एथ लिखते हैं हम, एथ लिखा, इसका सफिक्स होता है आइन, एथ प्लस आइन बराबर क्या हो जाएगा, एथाइन, ये इसका IUPAC नाम हो गया, है ना, इस स्ट्रक्चर का C2H4, C2H4 का IUPAC नाम क्या हो गया, एथाइन। दो कार्बन है, दो के लिए एथ लिखा, सफिक्स के रूप में आइन लगाया, एथ प्लस आइन बराबर एथाइन, क्लियर हो गया, इजी है एकदम, बस आपको ये फॉर्मूला और सफिक्स के रूप में हम क्या लगाएंगे और सिंगल डबल या ट्रिपल बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है ना, बस ये ध्यान रखना है, तीन चीजें ध्यान रखना है, आपको IUPAC नाम क्लियर हो जाएंगे, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीनों के, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब n इज इक्वल टू 3 लेके देखते हैं, है ना, n इज इक्वल टू 3, चलिए H2 × 3 - 2 C3H6 - 2 C3H4, है ना, C3H4 यानी कि कार्बन कितने हैं, तीन कार्बन है, 1, 2, 3, तीन कार्बन है। अब तीन में से किसी भी किन्हीं भी दो कार्बनों में ट्रिपल बॉन्ड होगा, चलिए इन दो कार्बनों में ट्रिपल बॉन्ड बना देते हैं, है ना, हो गया ट्रिपल बॉन्ड। चलिए अब देखते हैं, अब कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करें अगर, तो इस कार्बन की तीन वैलेंसी कंप्लीट है यानी कि एक वैलेंसी बाकी है, तो एक हाइड्रोजन जोड़ दिया। इस कार्बन की वैलेंसी देखें 1, 2, 3 और 1, 4 यानी कि इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है। इस कार्बन की वैलेंसी सिर्फ एक ही कंप्लीट है यानी कि तीन हाइड्रोजन यहाँ पर एड होंगे, है ना, तो तीन कार्बन 1, 2, 3, हाइड्रोजन 4, 1, 2, 3, 4, तो इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर बन गई। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा, 1, 2, 3, तीन कार्बन के लिए हम लिखते हैं प्रो, ये लिखा मैंने प्रो प्लस, ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, सफिक्स हम आइन, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोप प्लस आइन बराबर प्रोपाइन, ये इसका IUPAC नाम हो गया इस स्ट्रक्चर का। 1, 2, 3, तीन कार्बन के लिए प्रोप, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन इज इक्वल टू प्रोपाइन, क्लियर हो गया। तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इन तीनों के IUPAC नाम आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए देख लेते हैं एल्कील किसे कहते हैं, है ना, एल्कीन न नहीं है, एल्कील है, ध्यान दीजिएगा वर्ड पे, ओके। चलिए एल्कील के नाम के बाद प्रत्यय यानी कि सफिक्स हम इल लगाते हैं, ये एल्केन में से एक हाइड्रोजन कम करने पर बनते हैं, इन्हें R से प्रदर्शित किया जाता है, इन्हें R से रिप्रेजेंट किया जाता है, नाम के सफिक्स, नाम के अंत में सफिक्स के रूप में इल लगाते हैं, और कैसे बनते हैं, एल्केन में से, है ना, एल्केन हमने जो पढ़ा था उसमें से एल्केन में से एक हाइड्रोजन अगर कम कर देंगे तो एल्कील का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखिए एल्केन क्या होते हैं, जैसे कि मेथेन होता है, तो मेथेन का फॉर्मूला क्या है, CH4 मेथेन है। अब इसमें से अगर एक हाइड्रोजन हमने कम कर दिया, माइनस कम कर दिया, तो क्या बन जाएगा, CH3, और ये CH3 क्या कहलाएगा, मेथिल, कैसे कहलाएगा,
देखिए, एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए मैथ लगाते हैं हम, और इसका सफिक्स जो होता है, एक हाइड्रोजन अगर कम कर दिया तो एल्कील बन जाता है, इसका सफिक्स इल होता है, तो ये इल तो क्या हो गया, मेथिल हो गया, मेथिल। तो इस प्रकार से CH3 का नाम क्या हो जाएगा, मेथिल। क्लियर हो गया सभी को? चलिए एक और एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। अगर एथेन, एथेन में से एक हाइड्रोजन हमने कम करा, तो एथेन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H6। अब C2H6 में से एक हाइड्रोजन अगर कम करा तो क्या बनेगा, C2H5 बनेगा। दो कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, एथ, और इसका सफिक्स इल होता है, तो मैं डायरेक्ट में यहां पर लिख रहा हूं एथ प्लस इल बराबर एथिल, ये इसका नाम हो गया, है ना, एल्कील। कौन सा एल्कील है, एथिल है। अगर प्रोपेन लिया हमने, प्रोपेन, तो प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है, C3H8, ये फॉर्मूला होता है प्रोपेन का। प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन अगर कम करा तो क्या बन जाएगा, C3H7। तीन कार्बन के लिए प्रोप और सफिक्स के रूप में हम इल लगाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोप प्लस इल बराबर प्रोपील। आई थिंक एल्कील भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तीन एग्जांपल करे हैं हमने, है ना, मेथेन, एथेन और प्रोपेन। इन तीनों में से एक एक हाइड्रोजन कम करा, तो मेथेन में से एक हाइड्रोजन कम करा मेथिल, एथेन में से एक हाइड्रोजन कम करा एथिल, प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन कम करा तो प्रोपील बन गया। ठीक है, आई थिंक एल्कीन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। IUPAC नोमेनक्लेचर में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है हमें आगे। ओके, तो ये वाला जो लेक्चर है, आज की जो क्लास है, आज का जो वीडियो है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेसिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बनिक कंपाउंड्स का नाम लिखने के लिए। ओके, तो आई थिंक पूरा ही वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा आपको तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे शेयर कीजिएगा, और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको टाइम पर मिलती रहे। ओके, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।